Today we discuss next topic differentiation of functions on Rn. Suppose E is an open set in Rn and F from E to Rm be a mapping where X be an arbitrary element of E. If there exists a linear transformation A, Rn to Rm such that limit H tending to zero.

वो हम आर में नहीं आर एन में बात कर रहे हैं तो यहाँ एफ जो है आपकी मैपिंग है है, ई e से लेके आर एम तक और एक क्लीनियर मैप एक्जिस्ट कर रहा है ए आर एन से आर एम तक सच दैट कि ये रिजल्ट आपका होल्ड करे अब ध्यान से देखो तो डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती ही है यहाँ आपकी की वही है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मोर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो एफ पर और जो एफ डैश एक्स आएगा वो आपका यहाँ क्या आएगा ए आएगा और यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि एफ डैश एक्स को एक रियल नंबर नहीं ए क्या है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एच वेर एच बिलोंगिंग टू आर एन एंड मोर एच इज सो स्मोल एच बी किसका एलिमेंट बने ई e का एलिमेंट हो फॉर एक्स बिलोंगिंग टूज ओपन और वी कैन राइट एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्सलच सो स्म रिमाइंडर जीरो हो जाएगी क्योंकि <coughs> तो अगर आप एच से डिवाइड करते हो इसको डिवाइडेड बाई एच और लिमिट लेते हो एच टेंडिंग टू जीरो तो, तो ये आपका क्या डेफिनेशन बनती है एफ डैश एक्स बन जाता है ना तो यही तो बन गया आपका ए क्या है आपका एफ डैश एक्स

एफ ऑफ ई जो है वो उसका सबसेट है तो जी आपका डिफरेंशियबल हो गया पे. E एक F, एक अलग मैप है कहां से कहां तक ई e से आर के तक जिसको आप कंपोजिट मैप भी बोल सकते हो जी सर्कल एफ बोल सकते हो क्योंकि एफ मैपिंग ई से आर एम तक और जी मैपिंग आर एम से आरके तक तो एफ मैपिंग होगी आपकी ई e से आर के तक दिस मैपिंग इज डिफरेंशियबल एट एक्सनोर पर डिफरेंशियबल ए दिखाना है और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा g x because is equal to this तो x एफ पे हो जाएगी ये value तो f dash x ओफ क्या आ जाएगा g का derivative और फिर तो इसके लिए हमने कुछ substitution की है कि पुट is equal to f of x ओफ a is equal to f dash x एक्सनोर because f dash x इज is a linear transformation अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो derivative होगा f dash x वो क्या आएगा एक

बिलोंग कर रहे हैं सच दैट एफ ऑफ नॉट प्लस एच और जी ऑफ प्लस के आर लिमिटिंग वैल्यू एच एच और बीमिटिंग है दिस इज इक्वल टू मोड एच एफ साइन ऑफ एच बिकॉज यहां से अगर आप तो यूएच निकाल फाइंड आउट करते हो इट इज वेरी स्मॉल क्वान्टिटी और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेने पे और H से करने पे वैल्यू आपकी जीरो आ रही है तो मोड एच को हमने ऐसे डिफाइन किया कि अगर हम मोड ऑफ यू एच को मोड एच से डिवाइड करते हैं तो आपका ऑफ़ बनता है और लिमिट लेने पे एप्सिन ऑफ एच जो है वो क्या है जीरो सिमिलरली फॉर मोड वी के फॉर गिवन एच टेक के हमने क्या लिया है एफ ऑफ एक्स नोर प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्सनोर या आप ऊपर देख सकते हो एफ ऑफ एक्सनोर जो था वो आपका वाई नोर था और एफ एक्स एक्सनोर प्लस एच जो है वो आपका क्या हो जाएगा वाइनोर प्लस के बन जाएगा आपका तो के क्या हो जाएगा वाई नोर प्लस के माइनस वाई नोर मीन के इनका डिफरेंस नाउ टेकिंग मोड मोड ले लिया इसकी वैल्यू डाल दी हमने इक्वेशन ऊपर से ये हमने जो डिफाइन किया था यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यू ऑफ एच प्लस ए ऑफ एच ठीक है फिर रिजल्ट यूज किया मोड ए प्लस बी इज लेस इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी फिर ये रिजल्ट यूज किया मोड टी एक्स इज लेस इक्वल टू नॉम टी नॉम एक्स रिजल्ट से ये तो आपके पास टर्म आ गई नॉर्म ए मोड एच और मोड यू ऑफ एच जो हमने डिफाइन किया था उससे क्या आ गया दिस इज मोड एच एप्सिलॉन ऑफ एच ठीक है यहां से हमने मोड एच को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन टू आ गई नाउ कंसिडर कैपिटल एफ अप्लाइंग ऑन एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ

माइनस ए एच प्लस वी के अब हमने क्या किया इसको माइनस बी ए जो हमारे पास टर्म थी उसको एच से डिवाइड किया और उसका मोड ले लिया सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हमने इसको H से डिवाइड किया और इसका मोड ले लिया तो यहाँ आपके पास जो के है स्टार से आप देख सकते हो वो वैल्यू क्या है यू ऑफ एच प्लस ए ओफ एच तो ये वैल्यू आ गई बी यू ऑफ एच प्लस बी ओफ के डिवाइडेड बाय एच रिजल्ट यूज किया मोड ए प्लस इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी

तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव डेरीवेटिव क्या है देखो डेफिनेशन लेट फंक्शन एफ मैप्स एन ओपन सेट ई कंटेट इन आर एन इंटू आर एम एफ मैपिंग जो है वो आर एन से आर एम तक है एक्चुअल में ई e से आर एम तक है और ई e जो है वो सबसेट जो है वो किसका है आर एन का

फंक्शन टू जीरो मैपिंग है वो कहां से कहां तक है जो भी एफ आई मैपिंग है वो सारी आर एन से आर एम तक है इसका एफ मतलब आई जो एलिमेंट है वो किस पे हम डिफाइन कर रहे हैं e तो आर एन के एलिमेंट पे ना तो इसका है उसके एन का है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू सोन एक्स एन अब आप बताओ अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, है और तीन वेरिएबल्स का है वो फंक्शन एक्स वाई जेड और अगर आपको लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप क्या लिखते हो कर ली यू बाय कर ली एक्स

ब्रैकेट में लिखोगे वो किस किस का फंक्शन है एक्स वाई जेड का लेकिन हम कर लिए यू बाई कर फंक्शन एक्स प्लस एच कोमा वाई कोमा जेड माइनस U इज अ फंक्शन ऑफ x तो वाई तो z डिवाइडेड बाई जो आपने h चेंज किया डिवाइडेड बाई एच टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू ये क्या बन जाएगा करली U बाई करली x क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो चेंज भी एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा ऐसे अगर आप कर ली यू बाय कर ली वाई के बारे में बात करते हो तो इसका मतलब जो चेंज आप लिख रहे हो यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो अब जो चेंज आएगा वो वाई में आएगा मीन्स अब कैसे लिखोगे आप लिमिट एच टू जीरो यू विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई coma z minus u x y z divided by h यहाँ जो चेंज है वो y में चेंज है तो कर लियू कर ली y बन गया ऐसे अगर z में चेंज होगा तो कर ली u by, कर ली z बन जाएगा अब यहाँ तीन वेरिएबल्स की जगह n वेरिएबल्स का फंक्शन चल रहा है means fi जो है वो x का फंक्शन और x r n का एलिमेंट है तो f आई जो फंक्शन है वो एक्स वन एक्स टू अपू सो और x n का एलिमेंट का फंक्शन हो गया अब हम कह रहे हैं कि जो चेंज है वो उसके जे डेरिवेटिव में है इसका मतलब जो चेंज आएगा वो एक्स जे में आएगा

क्लियर हो गया अब आप इसको हम एक्स जे प्लस टी लिखने की जगह अगर हम इस सेंस में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस e आपका एक्स प्लस टी और ये क्या आपका स्टैंडर्ड बेसिस थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी और इसको हम क्या लिखेंगे किसकी डेफिनेशन है F by इसको हमने लिख दिया डीजे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे ठीक है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये जो हमने लिमिट ली है तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं देखो इज डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एज कर ली एफ आई बाई कर ली एक्सटे क्लियर है डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो चेंज उसी कोऑर्डिनेट में आएगा बाकी सारे अनचेंज्ड रहेंगे आपके ठीक है बाकी इस पे बेस्ड जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे